खरगोन में नगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्थानीय गंगानगर में आम आदमी पार्टी की बैठक रखी गई, जिसमें चुनाव के पदाधिकारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह भोपाल, उपाध्यक्ष राजकुमार दुबे इंदौर, खरगोन के चुनाव प्रभारी पीयूष भंसाली और आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली की देखरेख और नींव को गति देने वाले खरगोन के युवा सहयोगी जयंत गुप्ता को खरगोन का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं 5 सदस्य कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। इसके खरगोन में आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें हमारे लोगों से पधारे श्री राजकुमार जी दुबे, जो संगठन मंत्री है, साथ ही राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी है। उनके द्वारा खरगोन नगर पालिका को लेकर विभिन्न कार्य योजना एवं यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनके बारे में विस्तृत विचार विमर्श करने का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, जिसमें यहाँ पर सब एकत्रित होकर खरगोन नगर पालिका के सभी वार्डों में चुनाव कैंडिडेट जो खड़ा होना चाहता है उनके लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना एवं यहाँ की रूपरेखा और यहाँ हर वार्ड में हमारे कैंडिडेट खड़े करना मुख्य लक्ष्य है। आज आम आदमी पार्टी की बैठक रखी गई, इस संबंध में आपका क्या कहना है? आज आम आदमी पार्टी की बैठक इसलिए रखी गई कि खरगोन में जो चुनाव का दौर चल रहा है नगर पालिका का, तो उसमें आम आदमी पार्टी भरसक प्रयास कर रही है कि हम 33 सीटों पे अपने उम्मीदवार को खड़ा करें। जरूरी नहीं है 33 पे ही खड़े हों, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 33 पे खड़े हों और हम ताकत के साथ बिल्कुल समाजसेवी और ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए खरगोन को लड़ेंगे और इस लड़ने के लिए हम पूरे प्रतिबद्ध हैं और हमारे जितने भी खरगोन के साथी हैं वो भी बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। जो आज खरगोन में हो रहा है दंगे फसाद, दोनों पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि आज खरगोन की स्थिति क्या है। आज खरगोन पूरे वर्ल्ड में बदनाम हुआ हमारा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस राजनीति करने से जुड़ी हुई है, लेकिन हम किसी पार्टी का आरोप लगाने के बजाय हम केजरीवाल की नीतियों को इस खरगोन में, इस नगर पालिका में लाने के लिए बिल्कुल एकदम प्रतिबद्ध हैं और लाके रहेंगे। जैसे केजरीवाल जी दिल्ली में आज वर्ल्ड फेमस काम, जो स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके सड़कें से लेके जितने भी वहाँ पे काम आदिवासियों के लिए हो रहे हैं, जैसे SC ST के लिए आज वहाँ पे कोचिंग फ्री, जो IAS की तैयारी करे चाहे NDA की तैयारी करे, सबके लिए हर व्यवस्था वहाँ फ्री कर रहे हैं और विदेशों से लेकर यहाँ तक अमेरिका की राष्ट्रपति की औरत भी, वाइफ भी वहाँ देखने के लिए स्कूलों को आ रही है। तो वैसी व्यवस्था हम क्यों ना अपने इस खरगोन जिले में करूँ, नगर पालिका में करूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।